श्रमिक मंत्र न्यूज में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं श्रमिक मंत्र न्यूज और मैं हूं आलोक शर्मा आज के अहम खबर के साथ। बीते दिनों बीजेपी संगठन ने मीडिया व सोशल मीडिया के संवाद के नाम पर दुष्प्रचार कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की साफ सुथरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की। आखिर कैसे, देखिए श्रमिक मंत्र की ये खास रिपोर्ट। जी हाँ, मीडिया संवाद के इस सुनियोजित कार्यक्रम के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय द्वारा कुछ चुनिंदा मीडिया कर्मियों को सूचना दी गई। बाकी पत्रकारों को न तो जानकारी दी गई और न ही किसी ग्रुप में मैसेज दिए गए, जिससे कि मीडिया कर्मी व सोशल मीडिया के लोग मीडिया संवाद का हिस्सा बनते और यह सब पूर्व से प्रायोजित किया गया था। उससे भी हैरानी की बात तो यह है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया संवाद के नाम पर सफेद झूठ बोलते हुए नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया संवाद कार्यक्रम को सफल कार्यक्रम बता दिया, लेकिन प्रेस वार्ता में एक पत्रकार ने अध्यक्ष की झूठी तारीफ पर सवाल किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रेस वार्ता में सफाई देते हुए नजर आए। आपको बता दूं कि संवाद की सच्चाई यह थी कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी केंद्र सरकार की उपलब्धियों का पिटारा खोलते चलते बने, लेकिन पूर्व से सुनियोजित मीडिया संवाद के नाम पर एक भी पत्रकार से संवाद नहीं की। हाँ, मीडिया संवाद के नाम पर फोर स्टार होटल में जनता की गाढ़ी कमाई के लाखों रुपए लजीज पड़ोसने के नाम पर लुटा दिए गए। वहीं बीजेपी संगठन ने इस झूठी मीडिया संवाद के नाम पर मीडिया को गुमराह करने के साथ साथ धामी सरकार को भी बदनाम करने की भरपूर कोशिश की है। देहरादून से श्रमिक मंच संवाददाता की एक खास रिपोर्ट।